दोस्तों हमारे देश में घर बार मकान जमीन जायदाद के ऊपर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कानून हैं जो आपको जानना चाहिए। आपके जिंदगी में कभी न कभी ये आपको काम जरूर आएगा। जितने भी केसेस सिविल केसेस कोर्ट में लगते हैं लोग उनमें से 61% केस जमीन या फिर जायदाद के ऊपर होता है। माने आप सोच सकते हो कि हमारे देश में भारत देश में लोग कितना लड़ते हैं जमीन के ऊपर जायदाद के नाम पे। इसलिए सरकार ने कुछ ऐसा सख्त नियम बनाया है जिससे वो इन सबको सॉर्ट आउट कर सके बहुत आसानी से, जो आपको जानना चाहिए। हमारे भारत देश में जमीन या फिर जायदाद का जो कानून है वो धर्म के अधीन पे निर्णय किया जाता है। माने अगर आप एक हिंदू हो तो आपके लिए एक अलग कानून है, मुसलमानों के लिए एक अलग कानून है, और ईसाई माने क्रिश्चियंस के लिए एक अलग कानून है, और बाकी सारे जितने भी है माने जैन बौद्ध सिख्स ये सारे नॉर्मली हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर ही आते हैं। माने हिंदू का जो लॉ है वही सेम है इनके लिए। हमारे देश में इनहेरिटेंस लॉ माने वास्तविक संपत्ति का कानून हमें क्या क्या अनुमति देता है। माने अगर पापा का कुछ प्रॉपर्टी है तो वो किस अधीन पे बेटा या फिर बेटी को सकता है हमारे देश में, उसे कहते हैं इनहेरिटेंस लॉ माने वास्तविक संपत्ति का कानून माने उत्तराधिकारी लॉ। यहाँ पे दो चीज आता है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी माने आपने खुद एक प्रॉपर्टी परचेस किया है अपना खुद का पैसा लगा के, और अगर आपने कुछ प्रॉपर्टी अपने पिता से इनहेरिट किया है माने लिया है उत्तराधिकारी के रूप में एज अ बेटी या फिर बेटा, तो वो होता है इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। जो भी कानून है हमारे देश में वो सबसे पहले इन दो चीज को देखेगा और फिर निर्णय लेगा कि किसको कितना मिलेगा, माने बेटा को कितना मिलेगा और बेटी को कितना मिलेगा इस पर्टिकुलर रिलीजन में माने धर्म में। पर दोस्तों इनहेरिट करने से पहले आपको सरकार को बताना होगा कि आप उत्तराधिकारी हो तभी आपको वो संपत्ति मिलेगा। उसके लिए आपको ऑनलाइन पे एक फॉर्म फिलअप करना होगा और बताना होगा कि आप उत्तराधिकारी हो, आप क्लेम कर सकते हो अपने पिता के देहांत के बाद। ओके, अब ये इनहेरिटेंस लॉ बेटा और बेटी के लिए अलग अलग होता है हर एक धर्म में। 2005 साल के बाद अगर हिंदू परिवार का कोई बेटी शादी करके चला जाता है माने उसका शादी हो जाता है तो उसे उतना ही संपत्ति मिलेगा जितना कि उसके भाई को मिल रहा होता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट में बेटा और बेटी दोनों समान समान है। अगर भाई को एक प्रॉपर्टी मिलता है तो बहन को भी एक प्रॉपर्टी मिलेगा। तो सेम फॉर्मूला लागू होता है जेंट्स के लिए, बुद्धिस्ट के लिए और सिख्स के लिए भी। हमारे देश में मुसलमान बेटी को मिलेगा हाफ ऑफ द मेल हायर माने आधा उसके भाई का। अगर भाई को मिलता है दो प्रॉपर्टी तो बहन को मिलेगा एक प्रॉपर्टी। ये इस्लामिक कानून है जो हमारे देश में भी चलता है। और ईसाई बेटी को समान समान मिलेगा, भाई को एक तो बहन को भी एक, सेम सेम मिलेगा। हमारे भारत देश में इनहेरिटेंस लॉ माने उत्तराधिकारी का जो लॉ होता है वो ऐसा ही काम करता है। पर आपको बताना होगा सरकार को कि आप उत्तराधिकारी हो, आप हकदार हो इन सारे प्रॉपर्टीज का, तभी आपको प्रॉपर्टी मिलेगा वरना आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कोई वकील नहीं हूँ। ये वीडियो बस एक बेसिक आइडिया देने के लिए कि हमारे देश में इनहेरिटेंस लॉ हमें किन किन चीजों का अनुमति देता है और किन का नहीं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अगर हम बात करें रेंटल प्रॉपर्टी के बारे में माने दुकान मकान के बारे में, अगर आप उसे भाड़े पे देना चाहते हो या फिर भाड़े पे लेना चाहते हो तो उसका एग्रीमेंट होगा 11 महीने के लिए। 12 क्यों नहीं? क्योंकि दोस्त अगर आप उस एग्रीमेंट को 12 महीने का बनाओगे तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन करना होगा जहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसलिए बहुत चालाक लोग क्या करते हैं कि वो उस एग्रीमेंट को 11 महीने का बनाते हैं और वो उसे हर साल रिन्यू करते रहते हैं जिससे उनका पैसा बच जाता है, और ये लीगल भी है। हमारे देश में बहुत सारी जगह पे खासकर दुकानों पे लोग इसे अप्लाई करते हैं और उन्हें मुक्ति मिलता है इन सारे फीस से। अगर आप एक दुकान को मकान को भाड़े पे देना या फिर लेना चाहते हो तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो, आपका कुछ पैसा इसमें बच जाएगा। ओके, अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन फीस की तो वहाँ पे कितना लगता है? अबाउट 1% उस टोटल प्रॉपर्टी की वैल्यू के ऊपर, अगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो या फिर खरीद रहे हो। जो फी हर एक जगह पे वैरी कर सकता है, आपको चेक करना होगा कि आपके एरिया में ये कितना है। अगर आप एक फ्लैट खरीदते हो तो बिल्डर जो है ना, अगर वो टाइम पे आपको प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं करता तो उसे फाइन भरना पड़ेगा या फिर उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उस पैसे के ऊपर जो पैसा उसने लिया है आपसे। रेरा यहाँ पे बहुत सख्त हो चुका है, वो हर एक तरफ से अपने प्रॉपर्टी परचेसर को प्रोटेक्ट करना चाहता है। अगर कुछ भी होता है उस प्रॉपर्टी को लेके तो आप डायरेक्टली कंप्लेन कर सकते हो रेरा के वेबसाइट पे जाके, वो सब कुछ आपको सॉर्ट आउट कर देंगे, आपको चिंता करना नहीं पड़ेगा। और जो कारपेट एरिया है ना, सुपर बिल्डअप एरिया है, बिल्डअप एरिया है, उसके ऊपर भी रेरा ने बहुत सख्त रूल लागू किया है, फ्रॉड आपके साथ अभी होगा ही नहीं। अगर हम बात करें GST की तो यहाँ पे बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारे नियम हैं। यहाँ पे सरकार ने कहा है कि अफोर्डेबल हाउसिंग जो है ना, वहाँ पे आपको 1% GST भरना होगा प्रॉपर्टी के टोटल वैल्यू के ऊपर विदाउट ITC माने इनपुट टैक्स क्रेडिट के बिना ही आपको GST भरना होगा 1%। अफोर्डेबल हाउसिंग माने जो प्रॉपर्टी 45 लाख के भीतर है, और नॉन अफोर्डेबल माने जो प्रॉपर्टी 45 लाख से ऊपर है, वहाँ पे आपको GST भरना पड़ेगा अबाउट 5% विदाउट ITC। तो इनहेरिटेंस में क्या क्या होता है, रेंटल प्रॉपर्टी में क्या क्या होता है, प्रॉपर्टी खरीदते वक्त क्या क्या होता है, रेरा का क्या क्या बेसिक नियम है प्रॉपर्टी के ऊपर, वह सब कुछ आपको अब पता चल गया है। अगर आप इन सब के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो तो ये वीडियोस देख लो, खासकर वो GST वाला वीडियो। ओके, आशा है ये वीडियो हेल्पफुल जरूर होगा। दोस्तों लाइक करना इस वीडियो को, इससे मुझे खुशी मिलता है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।